तीन तलाक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। हलफनामे में केंद्र ने तीन तलाक का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव बताया है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पर्सनल लॉ के आधार पर किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, महिलाओं की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में तीन तलाक की कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शरिया कानून के तहत तीन तलाक को धर्मनिरपेक्ष देश में गलत तरीके से रखा गया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि एक से अधिक विवाह, तीन तलाक और निकाह हलाला की मुस्लिम प्रथाओं से जुड़े जटिल मुद्दे विधायी नीति के मामले हैं, जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तीन तलाक पर जहां केंद्र सरकार ने विरोध किया है, तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा की तरह इसका समर्थन किया है। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में इस मामले में क्या होता है। देखते रहिए डीबी लाइव।